नेक्स्ट पॉइंट है निरोधीवों का आपतित विकिरण की आवृत्ति पर प्रभाव। निरोधीवों का आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब किसी धातु की परत पर कोई प्रकाश निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तभी क्या होंगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो निरोधीवों का मान है जो किस पर निर्भर करता है, जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं पड़ता। तो हम अब बात करेंगे इसकी आवृत्ति पर, निरोधीवों का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। तो फिर सबसे पहले इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, ऊपर वाला पॉइंट है यह है प्रकाश धारा का, प्रकाश धारा या प्रकाश विद्युत धारा, अब इस पर अलग अलग निरोधीवों के साथ ग्राफ खींचते हैं। तो इनके निरोधीवों के मान अलग अलग है, तीव्रताओं के मान भी अलग अलग है, लेकिन इनकी जो धारा है संतृप्त धारा है उसका मान क्या है, सारू का मान क्या हो, एक जगह हो रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये जो यहां तक ये आ रही है ये है संतृप्त धारा। और यहां पर इसको कहेंगे संग्राही पट्टिका विभव। और इधर की तरफ है ये है ऋणी विभव या निरोधी विभव। यह है निरोधी विभव। और इधर की तरफ है ये जो है आवर्तियों के मान है न्यू थ्री तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि यह ग्राफ किसके मध्य है, निरोधी विभव, संतृप्त धारा और आवृत्तियों के मध्य। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऋणात्मक विभव या निरोधी विभव है, इसका मान यहां पर हो गया, दूसरे के लिए निरोधी विभव का मान और तीसरे के लिए निरोधी विभव का मान। तो तीनों के लिए क्या होगी, जो संदर्भ धारा है वो कॉमन है, वो समान है, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो ये जो कहलाती है वो संदर्भ धारा कहलाती है। और ये इसका है जो ये संग्राही पट्टिका विभव है, और इधर की तरफ इसको हम ओ मान लेते हैं मूल बिंदु, ओ के इधर की तरफ क्या है ऋण विभव या निरोधी विभव, और इधर क्या है इनकी आवर्तियों के मान है न्यू थ्री आवर्ती, न्यू टू आवर्ती और न्यू वन आवर्ती। तो इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, आपतित विकिरण की भिन्न भिन्न आवर्तियों
भिन्न भिन्न आवृत्तियों का मतलब है यहाँ पर अलग अलग आवृत्ति है, जैसे न्यू थ्री, न्यू टू और न्यू वन आपतित विकिरण की आवृत्तियां। तो आपतित विकिरण की भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए